हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड के बारे में, यानी कि डी फार्मा सेकंड ईयर की फार्मास्यूटिक्स सेकंड बुक के बारे में, जो आर एम मेहता ने लिखी है। आर एम मेहता ने लिखी है और फार्मास्यूटिक्स सेकंड फोर्थ एडिशन है ये फार्मास्यूटिक्स सेकंड का। और आज हम बात करेंगे क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कॉन्टेंट है और ये बुक कैसी है डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। और ये बुक मैंने कॉलेज से ली थी, कॉलेज वालों ने मुझे दी थी ये बुक। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से आप दोनों से ये बुक खरीद सकते हैं। और अगर आपने मेरी कॉलेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करिए, वहां पे वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं हम इस बुक के बारे में कि ये बुक कैसी है। तो ये फार्मास्यूटिक्स की सेकेंड है, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड है, फोर्थ एडिशन है। आर एम मेहता ने इसको लिखा है और इसके जो पब्लिकेशन है वो वल्लभ प्रकाशन है। वल्लभ प्रकाशन इसके पब्लिकेशन है, मतलब इसको पब्लिश वल्लभ प्रकाशन ने किया है। और जो इसके अंदर कंटेंट यानी कि जो हमारा सिलेबस है वो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारे प्रिस्क्रिप्शन है, फिर इनकम्पेटिबिलिटी एंड प्रिस्क्रिप्शन है, फिर पोस्टोलॉजी है, फिर सॉलिड डोसेज फॉर्म, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, सस्पेंशन, बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, इमल्शन, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ऑइंटमेंट पेस्ट एंड जेलीज। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में सपोजिटरी एंड पेस्ट्रीज दिया हुआ है, डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है, स्टाइल डोसेज फॉर्म है और ऑप्थेलमिक प्रोडक्ट है। तो टोटल हमारे 12 चैप्टर्स इसमें दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन से स्टार्टिंग है और ऑप्थेलमिक प्रोडक्ट पे एंड हो जाता है इस बुक का। इस बुक के अंदर काफी अच्छे से बताया हुआ सारे चैप्टर्स के बारे में, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया हुआ, क्योंकि उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन जैसे कि ये देख सकते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है, यहां से आप देखिए आपको सीधा दिखाई देगा। जो प्रिस्क्रिप्शन हमारा दिया हुआ है इसके अंदर, प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन दी हुई है, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। फिर इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट्स दिए हैं इसके, डेट की प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या पहले से ही हमें फिल करना पड़ता है, डेट फिल करनी पड़ती, नेम, एज एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ये सुपरस्क्रिप्शन यानी कि जो यू रिक्वायर्ड आरएक्स का जो सिंबल प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बना होता है उसको हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल, इंस्ट्रक्शन, और फिर बाद में इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। ये यहाँ पे देखिए नेम बताया गया है, वही सब हेडिंग है जिसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है, और यहाँ पे हमारे ये प्रिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, रिन्यूअल के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। ये फिर हमारे आ जाते हैं एब्रीविएशन, ये एब्रीविएशन हमारे आ जाते हैं, कैप्सूला का काइंड ऑफ प्रिपरेशन, लैटिन टर्म एब्रीविएशन मीनिंग इन इंग्लिश, तो आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, इसमें डिटेल में भी बताया गया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले चैप्टर प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी बहुत अच्छे से इसमें बताया हुआ है, तो ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। और क्योंकि इसे आर एम मेहता ने लिखा है तो ये बुक और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर की फार्मास्यूटिक्स को पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो आप आर एम मेहता की बुक को खरीद सकते हैं, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में, मतलब जो टर्म्स है इसके बहुत ज्यादा ईजी है और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और मैंने भी डी फार्मा पूरा सेकेंड ईयर जो मैंने किया है वो मैंने आर एम मेहता की बुक से ही किया है और इसी से मैंने स्टडी करी है फार्मास्यूटिक्स सेकेंड की। तो ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर की। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप में दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।